हेलो दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे तीन अंकों का गुणनफल मात्र 2 सेकंड में कैसे ज्ञात किया जा सकता है। थ्री डिजिट मल्टीप्लिकेशन इन 2 सेकंड्स, उसमें एक हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं 213 × 321। ओके, तो एक हम लोग इसमें खासकर पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसे कि ये सामने ये पैटर्न होता है, इसको सामने से गुणा करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर से बीच का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर से जोड़ देते हैं, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और फिर से सामने ये करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले इसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो 3 × 1 करेंगे तो 3 हुआ, और फिर से इसमें गुणा करेंगे 1 × 1 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 1 हुआ, और ये 6 हुआ तो 1 + 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर से आगे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें और इसमें करेंगे, या फिर से इसमें करके ये करके जोड़ देंगे सब, तो 2 × 1 2 हुआ, 3 × 3 9 हुआ, और 9 + 2 11, और फिर से 2 × 1 1 × 2 2, तो 11 + 2 3 हुआ, 13 हुआ, 13 का 3 लिख देंगे, एक रिमाइंडर आ जाएगा, और फिर से इसमें 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 गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो ये बताता है हम लोगों को, तो 2 × 2 2 हो गया, 1 × 1 1 हुआ, तो इसमें 4 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, 7 7 ये खासी ले लेंगे जो ये रिमाइंडर बचा था, तो 8 हो जाएगा, फिर से इसमें 2 × 3 कर देंगे, 6 हो जाएगा, 6 + कोई रिमाइंडर नहीं था तो 6 लिख देंगे। ओके दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज 1 2 3 × 2 3 1 का। ओके दोस्तों, तो इसमें हम लोग देखेंगे वैसे ही हम लोग ये करेंगे, फर्स्ट ये सामने गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर अक्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 × 1 2 प्लस 9 9 9 + 2 11 हुआ, उसका एक रिमाइंडर आया, फिर से इसमें गुणा करेंगे तो 2 ये 1 × 1 1 हुआ, 3 × 2 6 हुआ, फिर से इसमें 6, तो 1 + 6 + 6 13 हुआ, 13 का एक रिमाइंडर ले लेंगे, 14 हो जाएगा, एक हासिल बचेगा, फिर से इसमें गुणा कर देंगे 3 × 4 14 7 7 1 8 हो जाएगा, फिर से ये सामने गुणा कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। ओके दोस्तों, ऐसे हम लोग बनाएंगे इस ट्रिक्स के द्वारा, बहुत कम समय लगेगा आपको समझाने में, आप लोगों को समझाने में उनको इतना टाइम लग रहा है। ओके दोस्तों, थैंक यू।